कौशिकी चक्रवर्तीचे तेरा खयाल हे नवीन गाणं लॉन्च करण्यात आलंय. यावेळी हरिप्रसाद चौरसिया, अनुप जलोटा आणि पंकज उधास यांनी उपस्थिती लावली होती. पाहूया त्याची एक झलक. देखिए, जहां शायरी अच्छी हो, जहां कंपोजिशन अच्छी हो, तो ध्यान से सुनना पड़ता है. इतना खूबसूरत काम हुआ है कि मैं उसमें सच में खो गया था. और मनोज जी तो कमाल का काम कर ही रहे हैं, छा गए हैं आजकल इंडस्ट्री में. मैं इनको आज का आनंद बख्शी कहता हूँ. इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं और बिल्कुल सुलझा हुआ काम कर रहे हैं. दीपक पंडित हैं ही अच्छे. और कौशिकी जो है, कौशिकी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज सरस्वती जी का रूप लता जी हमारे साथ हैं. लता मंगेशकर जी सरस्वती जी का रूप हैं हमारे पास. तो ये जो कौशिकी है, ये मिनी सरस्वती है. इसके गाने में जो बात है वो और जगह मुश्किल से मिलेगी. तो इनको मैंने नाम दिया हुआ मिनी सरस्वती. भगवान बना के रखे, क्योंकि एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड को ये मेंटेन करके अपना काम कर रही हैं. जब हम हिंदुस्तान में गज़ल की बात करते हैं तो हमें कुछ नाम और कुछ लोग याद आते हैं. हमें याद आते हैं जगजीत जी, हमें याद आते हैं अनूप जलोटा जी, हमें याद आते हैं पंकज उदास जी. और जिस तरह का आलीशान काम इन लोगों ने किया है, जब हमें मौका मिले उस जगह पर खड़े होने का और कुछ लिखने का, कुछ कहने का, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें शर्मिंदा ना होने दें. तो मुझे लगता है कि एक नई जनरेशन के राइटर के तौर पे मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, इन लेजेंड्स को फॉलो कर रहा हूँ, और इसीलिए शायद थोड़ा बहुत अच्छा काम हो जा रहा है हमसे भी. यही कहना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि मौसीकी एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है. और ऐसे दौर में जब ऐसा काम सामने आता है, ऐसा काम जब सुनने का मौका मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है. और जब इन नौजवान लोगों को ऐसा काम करते देखते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है कि हम बिल्कुल महफूज हाथों में हैं. एक ऐसी पीढ़ी है, एक ऐसा जनरेशन है कि जो बहुत सुरीला है, जो बहुत अच्छा लिखता है, जो बहुत अच्छा कंपोज करता है. तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस बात से हमें मायूसी नहीं होनी चाहिए कि मौसीकी का क्या होगा. ये सुन के पता चलता है कि उतना ही इसमें, इस गज़ल जिस तरह से मनोज ने लिखी है, कौशिकी जी ने गाया है और दीपक ने उनको इसको अरेंज किया है और उसका कंपोजिशन किया है, तो कहीं मुझे, मैं ज्यादती न कर रहा हूँ तो अनुप भाई, मुझे कहीं मदन मोहन साहब की याद आ जाती है. मेरी कोई भी औकात नहीं कि यहाँ मैं खड़ी हूँ. और मुझे ये लगता है ये मेरी बहुत पिछले जन्म की, किसी जन्म की तो कुछ अच्छे करने का फल होगा कि ये गाने को आशीर्वाद करने के लिए पंकज जी आए, अनुप जी आए, हरि जी आए. और ये गाना पहले तो दीपक जी ने और मनोज जी ने इतना ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन मुझे दिया गाने को. और मैंने बस अपनी तरफ से इतनी कोशिश की है कि इनका जो प्यार है इस गाने को क्रिएट करने के पीछे, जो उसकी जो सोच है, उसको बस बरकरार रख सकूँ अपने गायन से.